तो जब भी हम किसी न्यूरॉन को एक्साइट करते, एक करते हैं तो उस के दो फैक्टर सबसे होते हैं। उस की जो स्ट्रेंथ और कितनी देर तक यानी किसने ड्यूरेशन तक वो स्टिमुलस को हमने अप्लाई किया है तो आज हम इन दोनों पैरामीटर्स को एक ग्राफ पर प्लॉट करके देखेंगे कि इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन ऑब्जर्व होता है तो अगर हम स्ट्रेंथ को यहाँ पर वाई एक्सेस पर लें और हमारे ड्यूरेशन uh, वाले पैरामीटर को एक पर है तो इनका जो रिलेशन होता है उससे अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं तो ये एक रेटेंगुलर हाइपरबोला सॉर्ट ऑफ ग्राफ क्रिएट होता है ठीक है जब हम इस ग्राफ को स्टडी करते हैं तो तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स को हमें समझना होता है सबसे पहला टर्म होता है रियोबेस ठीक है क्या होता है रियोबेस रियोबेस इज द मिनिमम स्ट्रेंथ

रियो बेस को डबल करते हैं तो कितना टाइम लगता है रियो बेस को डबल करने के लिए उसे हम जी कहते हैं ठीक तो जी. जी, जी है तो क्रोनेक्स का इनवर्स रिलेशन होता है एक्साइटेबिलिटी के साथ तो अगर मैं एक्साइटेबिलिटी और क्रोनिकी को कंपेयर करूँ एक नर्व और एक मसल के लिए तो हमारी नर्व ज्यादा एक्साइटेबल होती है एक मसल से इसलिए जो नर्व होगी उसकी जी क्या होगी कम होगी एज कंपेर टू अ मसल आई होप आपको ये ग्राफ समझ में हो काफी छोटा है काफी बेसिक है सिंपल सा है बट काफी इंपॉर्टेंट है थैंक यू